डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। इस वक्त हमारी मौजूदगी कुम्हरार विधानसभा सीट के सेंट जोसेफ हाई स्कूल में बनाए गए पोलिंग बूथ पर है, जहां पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी वोट करने पहुंचे हैं। हालांकि यहां पर जो कतार थी मतदाताओं की, उसे तोड़ते हुए एक वीआईपी कल्चर की तरह सुशील मोदी वोट करने पहुंचे हैं। यहां पर जो लोग हम उनसे बात करेंगे। आप लोग लाइन में लगे हुए हैं, मोदी जी आपके सामने आए, वोट करने पहुँचे जी। अब क्या कीजिएगा, यही वीआईपी सिंड्रोम है। आई एम अ डॉक्टर एंड सी देयर नो डिस्टेंसिंग। आप लोग का भी वहीं का फोटो लीजिए ठीक से। हाँ, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है वीआईपी। आई एम ट्राइंग टू मैनेज इट। आई आस्क देम टू, लेकिन यहाँ तो नहीं है मैनेज। कितने बजे से आए हुए हैं? 6:30। 6:30 और अभी आधे घंटे से आप खड़े हैं जी। आप आधे घंटे से यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन आपसे पहले मोदी जी चले गए। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे मोदी? कुछ नहीं कहना चाहेंगे। ना इट इज बेटर टू कीप साइलेंट। ठीक है। कुछ और लोग हैं, कितने बजे से आप खड़े हैं लाइन में? 6:30 से। 6:30 से, लेकिन अभी आपके सामने सुशील मोदी आए और वोट करने पहुँच गए हैं। तो वो तो वीआईपी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। VIP. सर आप लोग कब से खड़े हैं लाइन में? वही 6:40 से खड़े हुए सर। ये कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा है, आप लोग छापी है कि अगर इस तरह से कोई नेता अगर आएंगे पूरा भीड़ रहेगा तो पब्लिक लिए सोशल डिस्टेंसिंग है, ग्लव्स है, लेकिन और फोटोग्राफर के लिए नहीं है, न्यूज वालों के लिए नहीं है, ये मेरा कहना है। सुशील मोदी जी आए, आप लोगों से पहले चले गए वो, जबकि आप लोग पहले से लाइन में। नहीं दिया गया चांस, पहले नेता जी हैं तो भाई उनको तो मिलेगा। ये हालात हैं यहाँ पर और ये तस्वीरें हैं सेंट जोसेफ हाई स्कूल में बनाए गए पोलिंग बूथ की, जहाँ सुशील कुमार मोदी आए और बाकी मतदाताओं से पहले वोट करके बाहर आ गए हैं। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे उनसे। कोरोना से डरे नहीं, और जिस तरह प्रथम चरण के अंदर भारी मतदान हुआ है उसे भारी मतदान दूसरे चरण में होना चाहिए, क्योंकि दूसरे चरण के अंदर जो सीटें हैं वहाँ आबादी का घनत्व बहुत ज़्यादा है पहले की तुलना में, इसे लोग घरों से निकले और वोट करें। इसलिए सभी लोगों से अपील है, खास करके पटना शहर के अंदर जो शहरी मतदाता हैं वो कई बार घरों से कम निकलते हैं, तो उन सभी लोगों से अपील और पूरे बिहार के अंदर जिन सीटों पर भी चुनाव हो रहा है कि लोग घरों से बाहर निकले, दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें और अपने वोट का अब अवश्य मतदान करें। मतदाता सर वहां पर लगे हुए थे, आप पहले आए, मतदाताओं में नाराजगी है सर। तो सुशील मोदी फिलहाल कुछ नहीं बोला उन्होंने हमारे सवाल पर, हालांकि जो मतदाता कतार में खड़े हुए थे उन्होंने अपनी नाराजगी जरूर जताई है। और सवाल उठना लाजमी है कि जब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात करते हैं, उन्हीं की पार्टी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जब इस तरह की हरकत करते हैं तो ये कितना जायज़ है। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना। डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ।